हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस तो देखिए, आज मैं आप सामने न्यू वीडियो के साथ में आई हुई हूँ। तो ये है मेरा मटन। मटन को अच्छे से मैंने मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया है इसे। एंड ये मेरा है लहसुन, अदरक, ऑनियन चॉप किया हुआ है। एंड ये है मेरा धनिया, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, दो तीन लौंग। एंड है सिनेमा स्टिक है लकड़ी, छोटी इलायची है उसका पाउडर। गाइस मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। यस, तो मैंने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए। मैंने इसमें हरी मिर्च स्किप कर दी है क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रेगनेंसी की वजह से मुझे जलन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इचिंग, जलन बहुत ज़्यादा, मैं स्पाइसी बहुत ही अवॉइड कर रही हूँ। स्पाइसी आप अपने अकॉर्डिंग्स में हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च तो इसमें मेन होती है, तो बट मैंने गर्म मसाला भी इसमें कम ही ऐड किया है। आप मैंने इसमें ऑनियन भी चॉप, अदरक, लहसुन थोड़ा सा डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बना वाली हूँ कोफ्ते, तो वही मैं आप सबसे शेयर करूँगी और उसको फ्राई करूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी वजह से मेरी लास्ट प्रेगनेंसी चल रही है 9th मंथ की। तो मेरा मटन खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो वैसे ही मेरा मटन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है क्योंकि नॉनवेज ही खाने का मन कर रहा है। वेज तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, बट वह है कि वो भी लेना ज़रूरी है। तो बाकी इसमें मैं अपने हल्दी ऐड करूँगी, बट इसको हम जो ये हमारे सारे इंग्रीडियंट्स हैं इनको हम तवे पे भून लेंगे। तवा रोस्ट गर्म करूँगी, उस पर रोस्ट करूँगी अच्छे से, और उसमें हम बेसन और ऐड करेंगे, तो वही मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो चलते हैं अपने कबाब बनाने की तरफ। कोफ्ते चाहे इसके गोल गोल आप शेप चाहे कोई से भी दे दीजिए, गोल दे दीजिए या फिर लंबे आकार में दे दीजिए, बट मैं आज लंबे वाले बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम अपनी गैस ऑन करते हैं, उसके बाद में तवा रखेंगे। तवे को हमें गर्म करना है, उसके बाद में जो हमारी इंग्रीडियंट्स हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से हमें इस तरीके से भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। इसमें लाल मिर्च भी डलती है, साबुत लाल मिर्च, मैंने वो इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि मैं स्पाइसी बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर लेना, डाल लेना, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अब हमें तवा हमारा ऑलमोस्ट गर्म होने ही वाला है, तो इसे हम भून लेते हैं। इसके साथ में हमें बेसन भी ऐड करना है, बेसन भी हमें भूनना है, तो बट बेसन जलना नहीं चाहिए हमारा। तो देखिए मैंने इसमें बेसन और ऐड कर लिया है अपना। अब इसमें हमें हल्के हल्के हैंड से इसी तरह से चलाना है, इसे भूनना है। गाइस एक मिस्टेक हो गई मेरे से, हमें पहले जो अपना सौंफ, जीरा, धनिया, गरम मसाला पहले उसे भूनना था, उसके बाद हमें बेसन भूनना था। मैंने एक साथ मिक्सअप कर दिया, तो आप ऐसा मत करना, मेरे से मिस्टेक हो गई। एंड मेरी प्रेगनेंसी का टाइम भी पास आ गया है, तो मैं सोचा आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, तो क्यों ना मैं शेयर कर लेती हूँ आप साथ में, फिर मौका मिले ना मिले, मिलेगा बट रेसिपी का बहुत लेट मिलेगा, रेसिपी जल्दी भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि टाइम्स टाइम पास आ चुका है और मुझे दिक्कत भी हो रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वॉमिटिंग्स तो मुझे डेली हो आती है, कल भी मुझे वॉमिटिंग्स हुई है, बहुत गंदी वाली होती है यार वॉमिटिंग्स, सोना मुश्किल होता है, लेट ही नहीं पाती हूँ। तो इस तरह से हम भून लेंगे अपना, गैस पर हमारा स्लो पर रहेगा, भून के हम फिर से निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जो मेरा जो मसाला वो था, बेसन जो था हमारा, लौंग थी, सारी चीज़ इंग्रीडियंट्स जो हमारी इंग्रीडियंट्स थी वो सब मैंने अच्छे से भून ली थी, बट जो मेरे से मिस्टेक हुई गाइस आप मत करना। पहले जो हमारा सौंफ, जीरा, धनिया, सारे के जो गर्म मसाले थे हमारे, पहले हमें उसे रोस्ट करना है, उसे तभी भूनना है, उसके बाद में हमें बेसन भूनना है अपना अलग अलग। और मैंने एक साथ डाल दिया था, तो मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैं भूल गई थी बिल्कुल, मुझे एकदम माइंड से मेरे स्लिप हो गया था गाइस। तो मैंने उसके बावजूद भी हमारा जब सब चीज़ भून गई है, भूनकर मैंने निकाल ली, उसके बाद मैंने इसे रोस्ट कर लिया। देखिए अच्छे से मैंने इसको इमाम दस्ता में आप कूट सकते हैं या फिर आप बेलन से भी
अच्छे से पीस सकते हैं। मैंने इसलिए बिल्कुल ही अब इसमें जो सौंफ जीरा था, लौंग थी, काली मिर्च थी, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो गया है। तो अब हम इसको बनाएंगे अपने कोफ्ते। ये सारे हिल्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अपना जो हमारा ग्राइंड किया हुआ था, चॉप किया हुआ, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। हर धनिया ऐड करूँगी इसमें, बाकी कुछ मसाले, सॉल्ट वगैरह ऐड करूँगी। एंड हरी मिर्च मैंने स्किप कर दिया गाइस, एंड मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, चलते बोलने बोलने बहुत ज़्यादा हाँप रही हूँ। तो सब चीज़ मिक्स कर देते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारे सारे हिल्स हैं, मैंने सब इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा धनिया है, हर धनिया चॉप किया हुआ, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। एक तरफ मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, ऑयल गर्म हो रहा है, एंड बाकी हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा रखना अपने। एंड चाट मसाला, बाकी मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत ही लाइटली रखना है, बहुत ही लाइटली। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना, और एंड आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है, एंड जिंजर का भी डाल दिया है थोड़ा सा, उससे टेस्ट अच्छा आएगा हमारा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, और आप इसके राउंड शेप में बना सकते हैं या फिर लंबे में बना सकते हैं। तो अब हमें इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और मेरे ये जो थे, मैंने अपना जो हमारा कीमा था मटन वाला, तो उसका मैंने शेप बना दिया है। एक तो राउंड शेप में बनाया है, एक लंबाई बनाया है। इसी देखिए, आप ये वाला शेप भी बना सकते हैं, आप ये वाला शेप भी बना सकते हैं, मैंने दोनों ही शेप बनाया है। इसी से हम सारे बना लेंगे। और पहले तो मैं आपको सेक के दिखाऊंगी। इसको डालने के बाद में तुरंत चला देना है। इसे मार्केट में मिलते हैं, उस चीज़ से आप घर बना सकते हो। तो इसे हमें सेकना है स्लो पे, क्रिस्पी क्रिस्पी। मैं इसकी वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, बट वो हमारे कोफ्ता करी थी, रेसिपी थी, वो हमारी सब्जी थी। ये मैं ओनली कोफ्ता बनाऊँगी, कबाब बनाऊँगी। तो इसको हम पहले तो हम सारे स्टिक से बना लेंगे अपने। आपको जिस शेप में बनाना है एज ए डिश, बाकी मैं बस सेक लेती हूँ। देखिए हमें हल्के से ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, तो बस गैस में स्लो पे ही रखना है। इसे हम ये सारे सेक लेंगे। देखिए गाइस, मेरे कोफ्ते हैं ये सीख चुके हैं अपने, काफ़ी सीख रहे हैं। स्लो पे सेक रही हूँ मैं इसे, अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे, फिर मैं इसे सर्व करूँगी। देखिए गाइस, हमारे जो कोफ्ते थे वो बन के रेडी हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं इसको सर्व किया है चटनी साथ में, रेड चटनी में। आज आप ग्रीन वाली चिली साथ में खा सकते हैं, ऑनियन है इसके ऊपर, सिर्फ लेमन की कमी है, लेमन आप डाल खाइए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इसकी सब्जी नहीं बनाई है, सिर्फ ऑनली सिर्फ कोफ्ते बनाए हैं, और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। सी देखिए आप, क्रिस्पी क्रिस्पी है। गैस आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कोफ्ते अच्छे लगे हो, तो लाइक करना, शेयर कर देना, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही मैं अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी गाइस आपके लिए। ओके गाइस, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे कोफ्ते कैसे लगे।